हर किसी का सपना होता है कि वो लाइफ में एक बार मथुरा और वृंदावन की होली खेलने आए। तो आज हम 2022 की होली मथुरा एंड वृंदावन में खेलने आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे होली मनाते हैं। यह मथुरा। मथुरा में द्वारकाधीश टेम्पल में सबसे अच्छी होली मनाई जाती है। यदि आप कभी मथुरा आए होली के लिए तो आप इस मंदिर में जरूर आए। हैप्पी होली। ये रॉबिन है, तुम्हारा नाम क्या है? सम्राट। ये सौरभ है। द्वारकाधीश टेम्पल से जस्ट 200 मीटर पर आपको मिलेगा विश्राम घाट, जहाँ पर आप वोटिंग कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट सिर्फ 100 रुपये होता है, जिसमें वो आपकी पूरी की पूरी टीम को यमुना मैया के इसलिए बोल रहा हूँ, उसको बंद भी करके रख भाई, बंद करते ही नहीं कर। मैंने ज्यादातर यूट्यूबरों के मुझे ये सुना है कि मेरी उसकी बैटरी खत्म हो गई गोप्रो की। रास्ता मथुरा में होली के बाद हम लोग वृंदावन पहुंचे बांके बिहारी जी की होली, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है, राधे 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 राधे। पानी का इतना ज़्यादा यूज़ होता है वृंदावन में, जिससे रोडें भी नदियाँ बन जाती हैं। होली खेलने के बाद हम लोग यमुना घाट पे आराम करने के लिए पहुँचे। वृंदावन में 3 बजे के बाद होली का माहौल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब आप शाम को होली नहीं खेलते हैं वृंदावन में। होली सिर्फ 3 बजे तक वृंदावन में खेली जाती है। इसके बाद सभी लोग 4 बजे तक नहा धो के तैयार होके मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बंसी सबसे त्यागे है, एक ही धुन में बाजे हैं। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। आज का ब्लॉग समाप्त होता है।
सौरभ की तरफ से।